अभी मैं मौजूद हूँ 10 नंबर स्थित राबड़ी आवास में। आपको बता दें कि 10 फरवरी को राजद की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें कि राजद के जो तमाम राष्ट्र स्तर के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं राबड़ी आवास स्थित है। ऐसे में देखिए राष्ट्र कार्यकारिणी की जो बैठक को लेकर के तमाम जो है तैयारियाँ की जा रही है। बीते दिनों से राजद के प्रदेश कार्यालय पटना में बैठकों का सिलसिला जारी है। ऐसे में 10 नंबर आवास पर भी लगातार बड़े नेताओं का आना जाना शुरू है। ऐसे में देखिए जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक है उसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। हम आपको राबड़ी आवास के बाहर जो स्थित रोड है उसकी नज़ारा दिखा पा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये गेट बनाया गया है, जिसमें गेट में क्या कुछ लिखा है तमाम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए राष्ट्र जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 10 फरवरी 2022 समय 11 बजे दिन में स्थान होटल मौर्या में अमर शहीद जगदेव सभागार पटना में होना है। तो देखिए साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो पा रही हैं कि जिस तरह से लगातार बीते दिनों से खबरें आ रही थी कि राजद की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होनी है और ये कहाँ होगा, कितने बजे से होगा, ये साफ नहीं हो पा रहा था। देखिए तस्वीर के माध्यम से जो पोस्टर में बताया गया है कि ये बैठक 10 फरवरी को 11 बजे दिन से शुरू होगा और ये होटल मौर्या जो पटना स्थित है होटल मौर्या में होना है, जिसमें कि तमाम जो राजद के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, जिसमें कि तमाम जो आने वाले दिनों के रणनीति पर काम किया जाएगा। रणनीति पर विचार होगा कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से राजद की जो पार्टी है राजद पार्टी का विस्तार करना है किस तरह से, और अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जानी है। लगातार बातें बीते दिनों से निकल करके सामने आ रही थी कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है तेजस्वी यादव को, लेकिन खुद इस खबर पर राजद के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव ने विराम लगा दिया है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, लालू प्रसाद यादव ही खुद अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे में लगातार ये कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव बीमार रहते हैं ऐसे में वो खुद राष्ट्राध्यक्ष का गद्दी छोड़ सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष का इस्तीफा दे करके वो तेजस्वी यादव को पद सौंप सकते हैं। तो लेकिन इस पर विराम लग गया है। साफ तौर पर जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है कि आपको तस्वीर दिखा पा रहे थे, गेट बनना शुरू हो गया है, तमाम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारी मौजूद होंगे वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे उनकी तैयारियों के लिए ये गेट बनाया गया है। होटल मौर्या में पूरा कार्यक्रम चलेगा, मौर्या जो पटना स्थित है, ये कार्यक्रम 10 फरवरी यानी कि अब कुछ ही 2 दिन बचा है कार्यक्रम शुरू होने में राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में। ऐसे में देखिए किस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो तस्वीरें लगाई गई है जो समाजवादी नेता थे, और एक तरफ देखिए जहाँ तेजस्वी यादव हैं एक तरफ वहीं राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस पोस्टर में नज़र आ रहा है। साफ तौर पर देखिए समाजवादी नेता जो कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव उसी ढांचागत स्थिति को वो देखते हुए देखिए ये पोस्टर भी लगाया जा रहा है। पोस्टर में उनको भी समझाया जा रहा है किस तरीके से जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होगी इसमें कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे। इसमें हालांकि अभी ज़्यादा खुलकर कुछ नहीं बोले हैं कोई नेता, लेकिन इसे साफ तौर पर स्थिति क्लियर है कि जो राष्ट्र स्तर के राजद के नेता हैं वो नेता शामिल रहेंगे मौजूद रहेंगे और उसमें रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ निकल करके सामने आएगा हम आपको ताज़ा तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।